शहर बांदा जनपद से है, जहां बबेरू कस्बे में ईद के त्योहार को लेकर मस्जिदों पर अच्छी रौनक देखने को मिली। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद पर पहुंचकर ईद की नमाज अदा किए और देश की अमन चैन की दुआ मांगी। उसके बाद एक दूसरे के गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी। मस्जिद के बाहर निकलते ही जनप्रतिनिधि भी पहुंचकर मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाई दिया और इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल मौजूद रहा। पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू कस्बे के जामा मस्जिद का है, जहां पर ईद के त्योहार को लेकर काफी रौनक देखने को मिली है। मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद पर पहुंचकर ईद की नमाज अदा किए, जिसमें मौलाना एतबार अली के द्वारा सभी को ईद की नमाज अदा कराई गई और देश प्रदेश और बबेरू वासियों के लिए अमन चैन की दुआ मांगी है। उसके बाद एक दूसरे को गले मिलकर शुभकामनाएं दी। नमाज अदा करने के बाद बाहर मस्जिद के निकलने पर बबेरू विधायक शंभर सिंह यादव, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सूर्यपाल सिंह यादव एवं सपा नगर अध्यक्ष दिलीप सोरेन ने सभी मुस्लिम भाइयों को गले मिलकर ईद की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वही सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इस मौके पर अजमेर अली आमिर मोहम्मद अली बख्श नौशाद खान कासिम खान इमरान खान शाहनवाज खान अफसर अली जार मोहम्मद अब्दुल शेख नफीस खान जमालुद्दीन रमजान खान शेर आलम मोहम्मद नफीस मोहम्मद अख्तर सहित हजारों की संख्या में पुलिस समुदाय के लोग मौजूद रहे। ईद है और आप मस्जिद पर गए थे, सब लोगों से मिले, क्या किस प्रकार से ईद मनाई जा रही है? देखिए, ईद एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व है, पूरी दुनिया में मनाई जाती है। मुस्लिम धर्म के लोग ईद को बहुत महत्व देते हैं और हम लोग सेकुलर लोग जो समाजवादी लोग ईद के मौके पर उनको मुबारकबाद देने के लिए मस्जिद में गए थे, मुबारकबाद दिया। अब घरों में जाएंगे, लोगों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, आपसी भाईचारे को बढ़ाने की बात करेंगे और ईद को खुशी के साथ ईद के पर्व को मनाएंगे। मेरा नाम है एतबार अली। आज ईद का त्यौहार है, किस प्रकार से मनाया जा रहा है? ईद का त्यौहार बड़ी खुशी के साथ आज मनाया गया और मुल्क की खुशहाली के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए और अमन व अमान कायम रहे, इस पर दुआ मांगी गई। सारे लोग बड़े अच्छे एहतियात के साथ कस्बे के लिए भी दुआएं करी गई कि कस्बे में खुशहाली रहे। कौन कौन से लोग यहाँ पर आए थे और कितनी संख्या में लोग आए थे? यहाँ पे पूरी मस्जिद भरी हुई थी, काफ़ी तादाद में लोग आए थे, पूरे कस्बे के लोग थे और अतराफ के जो भी गांव बबेरू के करीब में है, वो सारे लोग यहाँ पे तशरीफ लाए थे। अरे, आप किस तरह से ईद सब लोगों के साथ मना रहे हैं? हम जिस तरह हर साल ईद का त्यौहार मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय पर्व है, हमेशा इसलिए हम उनके पास जाते हैं कि ताकि भाईचारा कायम रहे, आपसी प्रेम बढ़े और आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ को सीखे और इसी तरह प्रेम करे।